जरा आप लोग अपना अपना नाम बताओ तापस जी को। हेलो जी, मेरा नाम सुखविंदर सिंह बेदी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास अली याकूब है। जय जनिंद, मैं महावीर जैन। हाय, आई एम क्रिस्टोफर डिसूजा। नमस्कार, मैं जगत जननी सानी। कंफ्यूज याद है, हम ई सबका ड्रेस अदला बदली कर दिया, समझ रहे ना आप? धर्म का कनेक्शन फैशन से है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं फिर से रोस्ट करने वाली हूँ लुटेरी शबनम को, जो की निकाब पहन के अपने व्यूअर्स को दिखा रही है मुसलमानों की बुराई करके फॉलोअर बढ़ा रही है और पैसे कमा रही है। और आप इनके कमेंट्स में जाके देख सकते हैं कि ये कितनी गालियाँ सुनती है। दोस्तों देखिए इसके मुझे वीडियो, जो कि ये कहीं से भी मुस्लिम नहीं लगती है और हमें इसके पर्सनल लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब ये नकाब पहनकर मुजरा करती है। मुस्लिम लड़कियां नकाब इसलिए लगाती हैं कि अपनी इज्जत को ढक सके और पर्दे में रहे, लेकिन इस बेशरम को जरा सा भी ख्याल नहीं, हमारे देश की संस्कृति को बिगाड़ रही है। दोस्तों नमस्ते, कोरोना हमारे शरीर के लिए इतना घातक नहीं है जितना जिहादी मानसिकता वाले लोग हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए घातक है। और मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम करने नहीं आई हूँ, मैं एक फ्रॉड लड़की को एक्सपोज करने आई हूँ। और जब इसको मुल्ला पंच साहब के बारे में बोलना होता तभी ये नकाब लगाती है, ऐसे ये नकाब नहीं लगाती है। नकाब लगा के मुस्लिमों के खिलाफ बोलती है और व्यू गेन करती है। इसको पता है कि जब मैं मुस्लिमों के खिलाफ बोलूंगी तो अनभक्त लोग इसको सपोर्ट करेंगे, इसकी वीडियो देखेंगे और इसकी वीडियो को शेयर भी करेंगे। सही पकड़े हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये मुस्लिमों की बुराई करते वक्त सिर्फ नकाब पहनेगी और टाइम ये ऐसे ही खुल्ला घूमती रहती है। मजहब के आधार पर फिलिस्तीनियों को समर्थन किया जा रहा है भारत के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये नकाब पहनकर हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों से पैसे ठग रही है। और इतना ही नहीं, इसके हर जगह अबाउट में जाकर देखिए, इसका गूगल पे नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर दे रखा है इसने। मतलब ये धर्म के नाम पर पैसे लूट रही है सबसे। तो उन लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो आप किसको समर्थन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी मजहब आ जाता है। और दोस्तों आप लोग खुद समझिए कि धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम पर वीडियो बना के ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती है। आप लोग खुद समझदार हो, समझिए इसकी बात को, इसकी प्लान को। मतलब समझ गए, तुम समझ गए, समझने वाले समझ गए। तो गाइस राष्ट्रवादी शेरनी चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए और आप लोग खुद समझदार है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।